दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। फूड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड टेक्नोलॉजी में कैरियर कैसे बनाए, फूड टेक्नोलॉजी के कितने भाग हैं और फूड टेक्नोलॉजी में कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, फूड टेक्नोलॉजी करके क्या क्या जॉब मिल सकती है, फूड टेक्नोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सैलरी कितनी मिलती है, पूरा जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट फेयर के यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। फूड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड टेक्नोलॉजी की जानकारी, इसमें कैरियर एवं संभावनाएं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है। प्रोसीड फूड तैयार करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया भर से भारत के रुख फूड के लिए दिखाई जाती हैं। ऐसे में फूड टेक्नोलॉजी का भविष्य कितना सुनहरा है और अच्छा है, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। फूड टेक्नोलॉजी आज के युवाओं के लिए एक आकर्षक कैरियर के रूप में सामने आया है। फूड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र भी कैरियर के लिए बेहतर ऑप्शन है। साथ ही आजकल के समय में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और लोगों की जीवन शैली में बदलाव व खान पान में दिलचस्पी के चलते इस क्षेत्र का तेजी से बदलाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड टेक्नोलॉजी में कैरियर कैसे बनाएं, साथ ही इसकी सैलरी, यह सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। फूड टेक्नोलॉजी क्या है, पके हुए खाने से लेकर उसमें कुछ परिवर्तन करने का काम और साथ ही भौतिक या रासायनिक साधनों से भोजन को बनाने और भोजन को अन्य रूपों में बदलना, इसे ही फूड टेक्नोलॉजी कहते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के लिए योग्यता, फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी अथवा मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं में कम से कम 50% अंक से पास होना आवश्यक है। 12वीं के बाद आप फूड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में जॉब व कैरियर, आज फूड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत दुनिया में हर किसी को है। भविष्य में खाद्य पदार्थ की कोई कमी ना हो, इसलिए हर देश फूड टेक्नोलॉजी पर अच्छी रिसर्च करते दिखाई दे रहे हैं। फूड टेक्नोलॉजी में क्वालिटी और टेस्ट को देखते हुए पोषक तत्वों पर काम किया जाता है। एक फूड टेक्नोलॉजी को फूड प्रोसेस के साथ सभी काम करने होते हैं, साथ ही फूड की गुणवत्ता, स्वाद और रंग रूप का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा एक फूड टेक्नोलॉजी कच्चे और बने हुए खाने की गुणवत्ता, स्ट्रेटजीज और हाइजीन आदि को देखरेख करते हैं। एक फूड प्रोसेस का काम पूरी तरह से फूड टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। फूड टेक्नोलॉजी में कोर्स करने के बाद आपके पास नौकरी के कई विकल्प होते हैं। आप इसमें जुड़ी फील्ड जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, रिटेल कंपनी, होटल्स, एग्री प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां से जुड़कर काम कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के भाग, फूड टेक्नोलॉजी को दो भागों में बांटा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस। फूड टेक्नोलॉजी इस भाग में कच्चे उत्पाद जैसे अनाज, मीट, दूध, सब्जियों आदि उत्पादों का भौतिक स्वरूप बदलकर उसे खाने और बिक्री के योग्य बनाया जाता है। वैल्यू एडेड प्रोसेस, वैल्यू एडेड प्रोसेस फूड टेक्नोलॉजी इस भाग में कच्चे खाद्य उत्पादों में ऐसे कई बदलाव किए जाते हैं जिसे वह सुरक्षित और कभी भी खाने लायक बना सकते हैं, जैसे टोमेटो सॉस और आइसक्रीम आदि। फूड टेक्नोलॉजी की सैलरी, फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शुरुआती तौर पर सैलरी लगभग 10,000 से 15,000 तक के बीच में होती है और कुछ सालों के एक्सपीरियंस और काबिलियत के अनुसार बढ़ती भी रहती है। फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सैलरी लगभग 30,000 रुपये प्रति माह तक भी हो जाती है और उसके आगे एक्सपीरियंस के दर पर बढ़ाए जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूज़फुल साबित हुआ होगा। और वीडियो को पसंद आने पे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ फिर नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।